हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरेना आर्ट एकेडमी। माय सेल्फ रियांश राहुल, और ये जो आप ड्राइंग देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, ये एंड प्रोडक्ट है, एंड ड्राइंग है, एंड व्यू है हमारी इस ड्राइंग का जो आज हम बना रहे हैं। तो मैंने ये रियल टाइम वीडियो रखी है ताकि आप हर एक प्रोसीजर, हर एक स्टेप देख सको, और स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ ये सीन, ये लैंडस्केप बना सको। और बहुत कुछ आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा क्योंकि ये वीडियो रियल टाइम है। और आप देख सकते हैं, मैंने रफली पहले एक लाइट सी ड्राइंग बना रखी है और मैं डायरेक्ट यहाँ पे कलरिंग कर रहा हूँ। तो मैं स्काई से स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑयल पेस्टल में जब भी हम कलर करते हैं तो ऊपर से नीचे कलर करना सही होता है। तो जैसे मैं, आप देख रहे हैं, मैं ऊपर पहले कलर कर रहा हूँ। ऊपर पहले कलर करना इसलिए सही होता है क्योंकि हमारा जो हाथ रखाता है पेपर पे, वो साफ़ जगह रखा है। अगर हम कलर पहले नीचे कर देंगे और फिर ऊपर स्काई को करेंगे तो हमारा हाथ उस एरिया में रखाएगा जहाँ पे ऑलरेडी कलर हो चुका है, तो इससे कलर के फैलने की चांसेस रहती है, ज़्यादा हैं। तो हर एक मीडियम में अपना अपना तरीका होता है। तो ऑयल पेस्टल में ये तरीका सही है जहाँ आप पहले ऊपर कलर करते हो, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ते हो। तो मैंने पहले एक शेड किया, अब उसके ऊपर मैं वाइट कर रहा हूँ ताकि वो शेड स्मूथ हो। वाइट हम करते हैं जब हमें किसी कलर को थोड़ा लाइट भी करना होता है, प्लस वो कलर को थोड़ा स्मूथ भी बनाता है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। जब मैं ये लैंडस्केप बना रहा था तो मुझे टोटल 45 मिनट्स के आसपास लगा, और इसे थोड़ा बहुत बीच में कट करके ये अराउंड 39 मिनट के आसपास ये वीडियो बनेगी। तो इसको पूरा देखिए, आपको एक बार में काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेगी, क्योंकि जितने भी रियल टाइम वीडियोस होती हैं, रियल टाइम डेमोज जो होते हैं, उसको देखने से हम छोटी छोटी चीज़ें देख पाते हैं कि क्या, कैसे कलर लिया जा रहा है, कैसे करा जा रहा है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो भी हमारे व्यूअर्स रियल में सीखने चाहते हैं, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि रियली अपनी ऑयल पेस्टल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखें, समझें कि मैं कैसे कलर को ले रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मैं इस माउंटेन को कलर करता हूँ। तो जैसे डार्क से लाइट में है छोड़ रहा हूँ, ये चीज़ आपको पता होगी अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी है। तो ऑयल पेस्टल पे मैं लगभग हर टॉपिक कवर कर चुका हूँ, हर टिप्स जो होती हैं कि क्या गलतियां करता है एक बिगिनर, डूज एंड डोंट्स पे ये मैंने बताया है, और बेस्ट टिप क्या क्या होती हैं ऑयल पेस्टल को लेके, क्या एक्सरसाइजेस होती हैं जो करनी चाहिए आपको ऑयल पेस्टल इम्प्रूव करने में, ये ऑलरेडी सब कुछ मैंने शेयर कर दिया है। और ये प्लेलिस्ट आपको आई बटन में भी मिल जाएगी, तो आप जाकर उसे ज़रूर देखें। तो जितने भी मैंने ऑयल पेस्टल पे वीडियोस डाले हैं, अगर आप उसको लाइन से देखते जाओगे, उसको प्रैक्टिस करते जाओगे, तो डेफिनेटली आपकी ऑयल पेस्टल स्किल बहुत इम्प्रूव होगी। ऑयल पेस्टल को कैसे ब्लेंड करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती है, क्या डिफरेंट टाइप ऑफ इफ़ेक्ट्स होते हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने बता रखी है अपने ऑयल पेस्टल वाली प्लेलिस्ट के वीडियोज़ में। तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और जो जो एक्सरसाइजेस मैंने बताए हैं किस तरीके से ऑयल पेस्टल ब्लेंडिंग करनी सही होती है अगर आप बिगिनर हो, तो अगर आप ऑलरेडी ऑयल पेस्टल बहुत कुछ जानते हो तो उसके बाद क्या तरीका आप अपना सकते हो, ये सब चीज़ें मैं बहुत टाइम से स्टूडेंट्स को बताते आ रहा हूँ। तो काफ़ी चीज़ें की जो एक्सपीरियंस से मैं अपने ये सब बता सकता हूँ कि क्या गलतियाँ अक्सर बिगिनर करते हैं, और क्या चीज़ें होती हैं जो ऑयल पेस्टल को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें मैंने शेयर की हैं वो काफ़ी
इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं तो आप उसको वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपको ये हमारी सारी जो वीडियोस आती हैं अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमें अपना प्यार दें, अपना सपोर्ट दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैं और भी रियल टाइम डेमोज वगैरह डालने के बारे में सोच रहा हूँ। तो अगर आपको और भी ऐसे डेमोज चाहिए जो रियल टाइम हो, जिसमें आप पूरे अच्छे से स्टेप वाइज देख सकें कि कैसे मैं क्या स्टेप ले रहा हूँ, किस तरीके से कलर को यूज़ कर रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये रियल टाइम डेमो सिर्फ ऑयल पेस्टल के लिए नहीं, बल्कि ऑयल पेंटिंग या वाटर कलर या पेंसिल शेडिंग वगैरह, तो इन सब चीज़ों पे भी मैं रियल टाइम डेमोज फ्यूचर में ज़रूर डालूँगा। अगर आप लोगों ने कमेंट में बताया तो ये मुझे बहुत हेल्प करेगा ये जानने में कि किस तरीके की वीडियोस आपको ज़्यादा पसंद है। फास्ट वीडियोस जिसमें क्विकली आप एक झटके में मतलब गैस कर सकते हैं कि हाँ ये तरीका होगा इसमें, या एकदम डिटेल्ड तरीका जो रियल टाइम डेमोज होते हैं, जो लंबी लंबी वीडियोज़ होती हैं 40 मिनट एक घंटे की, ऐसे इस टाइप की वीडियोज़ ज़्यादा आपको नॉलेजेबल लगती हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट पढ़ता हूं मैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत कुछ पता चलता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं आप लोगों को क्या पसंद है, क्या चीज़ देखना ज़्यादा आपको चाहते हैं, आप किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं फ्यूचर में, तो ज़रूर कमेंट में बताएं। और कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपको पूछना हो आर्ट रिलेटेड, तो आई एम ऑलवेज देयर। मैं आपको जो मुझे जितनी मुझे जानकारी है उस बेसिस में मैं आपको हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो कमेंट में आप कोई भी अपना सवाल हो पूछ सकते हैं, मैं हर किसी को रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आपकी जो क्वेरी है, आपकी जो डाउट है वो ना रहे, आपको मैं प्रॉपर आंसर दे सकूँ। अगर आप फाइन आर्ट के कोई सवाल पूछते हैं तो आप देख सकते हैं कैसे मैं अलग अलग कलर को एक के ऊपर एक मिक्स कर रहा हूँ। तो कहीं कहीं जगह पे हमें स्मूथ मिक्सिंग करनी होती है, कहीं पे रफ ट्रांजिशंस छोड़ने होते हैं अकॉर्डिंग टू द सरफेस, हम किस सरफेस पे कलर कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं अलग अलग वीडियोज़ में, अलग अलग टिप्स जो मैंने शेयर की ऑयल पेस्टल को लेके। तो अगर आपको कुछ चीज़ें अगर समझ नहीं आती हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि पहले हमारी पुरानी जो ऑयल पेस्टल की टिप्स हैं उसको पहले देखें, फिर इस डेमो को अच्छे से समझ के देखें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्व कर पाओगे नॉलेज को। बिना आपको मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए, आपको हर चीज़ जब समझ में आ रही होगी तो आप जो नॉलेज यहाँ पे है आप उसको अच्छे से एब्जॉर्व कर पाओगे। तो एक ऑयल पेंटिंग थी मेरी पहले की, जो मैंने एक रेफरेंस इमेज की यूज़ करके बनाई थी बहुत पहले, तो उसको देख के मैं भी ऑयल पेस्टल में अभी ये जो सीनरी आपको दिखा रहा हूँ उसको बना रहा हूँ मैं। और मैं देख कोशिश कर रहा हूँ कि जो कलर ऑयल पेंटिंग में है उस तरीके के शेड में यहाँ पे करूँ, तो एकदम सेम टू सेम शेड तो नहीं, बस लगभग ऑलमोस्ट उस टाइप के कलर जो मुझे यहाँ पे 50 शेड्स में मिल पा रहे हैं मैं उसको कर रहा हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप मैंने अभी रिसेंटली शेयर की थी कि अनलिमिटेड शेड्स कैसे बनाते हैं सिर्फ 50 शेड का यूज़ करके, तो वो एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने शेयर की थी। और उसको ज़रूर से देखें, बाकी पहले बेसिक वीडियोस देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखें, क्योंकि वो थोड़ी एडवांस चीज़ है बिगिनर्स के लिए। डूज एंड डोंट्स एंड बेस्ट टिप, ब्लेंडिंग की टिप, ये सब चीज़ें होने के बाद वो वाली चीज़ थोड़ी एडवांस की है, तो उसको थोड़ा अच्छे से समझें, वो समझने के बाद बाकी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। और एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक स्टील लाइफ की डेमो भी शेयर करूँगा ऑयल पेस्टल के साथ ही, ऑयल पेस्टल का यूज़ करते हुए एक स्टील लाइफ मैं बनाने की कोशिश करूँगा, जो आपको वो भी बहुत इन्फॉर्मेशन देगी, आपको बहुत चीज़ें आप उसको देख के समझोगे। तो यहाँ जब मैं ये लैंडस्केप बना रहा हूँ तो कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ, जैसे कि
ये जो माउंटेन्स मैंने अभी कलर किए हैं, ये जो ग्रासेस वगैरह मैं कलर कर रहा हूँ, ये दूर हैं। मतलब एक तो चीज़ें होती हैं हमारे जो सबसे करीब होती हैं, फिर वो धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ दूर हो रही होती है। तो ये माउंटेन जो मैंने बनाया वो काफ़ी दूर है, इसलिए मैंने यहाँ थोड़े से डल कलर यूज़ किए हैं, जैसे कि ग्रेइश शेड जो आ रहा है, और ग्रीन में भी थोड़ा सा फेड कलर एकदम दूर में। तो वो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल पेस्टल में भी फेड कलर जो है उसका यूज़ किया है। कई बार मैंने कुछ स्टूडेंट्स में देखा है कि वो ब्राइट कलर्स ले लेते हैं। मतलब बहुत सारे रूल्स होते हैं लैंडस्केप के जो हमें फॉलो करने चाहिए, भले ही हम कोई भी मीडियम यूज़ कर रहे हो, ऑयल पेस्टल या वाटर कलर हो, ऑयल पेंटिंग हो, कोई भी मीडियम हो, कुछ रूल्स को हमें ध्यान देना चाहिए कि चीज़ें जैसे जैसे दूर जाती है वो फेड हो रही होती हैं, उसकी जो उसका जो सैचुरेशन है वो कम हो रहा होता है, उसके कलर की जो इंटेंसिटी है वो कम हो रहती है, तो दूर वाली चीज़ें थोड़ी ग्रेइश लग रही होती हैं, और ये सब चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए। तो बिगिनर्स ज़्यादातर ऐसा ये गलती कर देते हैं कि वो ब्राइट कलर ले लेते हैं, काफ़ी भड़कीले कलर ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जिस एरिया में ब्राइट कलर यूज़ होते हैं उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ब्राइट कलर जहाँ पे होने चाहिए बस वहीं पे रखिए। हर जगह को ब्राइट कर देने से फिर उसका ब्राइट कलर का जो वैल्यू है, वो जो मतलब जो लुक है वो नहीं आता। तो इम्पॉर्टेंट है आपको बाकी जगह को डल रखना, अगर वो दूर है तो उसको तो डल रखना चाहिए ही, क्योंकि दूर की चीज़ें डल ही होती हैं, हमें नेचर से यही सीखने को मिलता है। और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे हम शुरू से ही, आप जैसे भी अभी देख सकते हैं कि मैं कहीं भी एकदम से डार्क नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले लाइट शेड्स के कलर ले रहा हूँ। और अगर मान लीजिए एक दूर में माउंटेन है जो ब्लैक टाइप का है, तब भी वो एकदम ब्लैक नहीं होता, भले वो ग्रेइश होता है, वो ब्लू में कोई शेड हो सकता है, एकदम लाइट शेड हो सकता है, डल कलर डल ब्लू हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आपको ब्लैक लग रही है वो ब्लैक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक सीनरी में सबसे ज़्यादा डार्क कलर मान लीजिए डार्क ग्रे है, लेकिन वो सीनरी में सबसे ज़्यादा डार्क कलर है, तो हमें लगता है कि वो एकदम ब्लैक है और हम सडनली ब्लैक कर देते हैं उस एरिया को। तो ब्लैक कलर तो मैं आपको बोलूँगा कि शुरू में करिए ही मत, आप एक बार ब्लैक कलर से दूर रहिए, पहले पूरी सीनरी को, पूरी जो भी आप ड्राइंग कर रहे हो उसको कंप्लीट कीजिए, फिर देखिए ब्लैक का यूज़ कहाँ पर हो रहा है, और ब्लैक को बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए। ब्लैक बहुत ही अच्छा कलर है, ये मैं नहीं कह रहा कि ब्लैक का कोई वैल्यू नहीं है, ब्लैक की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ब्लैक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कलर है, ब्लैक बहुत खूबसूरती दे सकता है एक ड्राइंग में, लेकिन उसको जितना वो खूबसूरती दे सकता है उतना वो खूबसूरती को बिगाड़ भी सकता है। तो बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है ब्लैक को यूज़ करना, बहुत अच्छे से यूज़ करना पड़ता है और बहुत संभल के यूज़ करना पड़ता है ब्लैक को। तो चलिए अब कुछ बातें सीनरी की भी करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैं पहले इस रास्ते के साइड में मैंने पहले कलर किया, अब मैं बीच में कलर कर रहा हूँ। दूसरा शेड लेते हैं पहले इस एरिया को, देखिए कि पहले मैंने राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ कलर कर दिया, अब मैं बीच में कलर कर रहा हूँ। तो आप जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी बातों को सुनते सुनते आप सीनरी को ज़रूर ध्यान से देखिएगा, और कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है, और एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से देखनी है वो ये कि कैसे मैं अपने हैंड मूवमेंट को बदल रहा हूँ। जब मैं ग्रास को कलर कर रहा था तो मैं कहीं कहीं पर राउंड राउंड से घुमा रहा था, और जब मैं यहाँ पे ज़मीन को कलर कर रहा हूँ तो मैं एक तो हॉरिजॉन्टल वे में कलर कर रहा हूँ, प्लस थोड़ा सा रफली कलर कर रहा हूँ, मतलब एकदम स्मूथ ट्रांजिशन नहीं दे रहा हूँ। किसी किसी जगह पे स्मूथ रखना होता है, किसी में रफ हमें ट्रांजिशन रखना होता है ताकि वो लगे कि वो रफ एरिया है, और उस हिसाब से हमें अलग अलग एरिया को अलग अलग तरीके से करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का यूज़ कर रहा हूँ, और मैं वहाँ वहाँ पहले डार्क कर दे रहा हूँ जहाँ जहाँ शेडो आ रही है, जहाँ जहाँ शेडो के
एरियाज हैं वहाँ पे पहले मैं ये ग्रीन कर रहा हूँ। तो और एक चीज़ जो व्यूअर्स देख रहे होते हैं और जो बिगिनर्स होते हैं उनको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि पहले मैंने माउंटेन कलर कर दिया, फिर मैं थोड़ा सा रोड कलर कर रहा हूँ, फिर मैं थोड़ा सा ग्रास कर रहा हूँ, तो ये समझ नहीं आता उनको। लगता है कि ऐसा लग सकता है कईयों को, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार ये वो कन्फ्यूज जाते हैं कि समझ नहीं आ रहा। और कई सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर समझ नहीं आ रहा है मुझे कि आप पहले इसको क्यों कलर कर रहे हो, और पहले आपने माउंटेन कलर क्यों किया, फिर ये रॉक्स को पहले क्यों कलर कर रहे हो। क्योंकि मैंने बोला है स्टेप वाइज जाएंगे ऊपर से नीचे धीरे धीरे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी किसी जगह पे मुझे लगता है कि इस जगह को पहले कलर करना चाहिए ताकि एक ओवरऑल जो लुक आ रहा है ड्राइंग का वो लुक मुझे जल्दी से दिख सके। तो ये पर्सनल चॉइस है। जो प्रोसीजर मैंने बताया कि ऊपर से नीचे कलर करना है ताकि आपकी ड्राइंग साफ़ सुथरी रहे, फैलने का रिस्क कम रहे, तो वो तो रूल है, वो मानना ही चाहिए आपको। लेकिन अभी जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे ब्लैक करना है उसको कर दिया, जहाँ डार्क करना है कर दिया, ये पर्सनल चॉइस है। आप इसको कर भी सकते हैं, आप चाहें तो रूल के हिसाब से शुरुआत में चल सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऑयल पेस्टल ड्राइंग करी हुई है तो मुझे झिझक नहीं होती मैं कहीं भी कुछ भी कलर करने लगता हूँ तो। और आपको भी झिझक नहीं होगी, आपको भी मज़ा आएगा ऐसे करने में। रूल्स तोड़ने में बहुत मज़ा आता है, तो आपको भी तोड़ने में डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा। बट अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में हो, अगर आपने 50-100 ऑयल पेस्टल की ड्राइंग्स ख़त्म करके रखी नहीं है, तो अभी आप स्टार्टिंग स्टेज में हो और आपको रूल के हिसाब से ही चलना चाहिए, तो स्लो स्लो ही कीजिए। आपको जितना समझ आ रहा है अपनी समझ के हिसाब से कीजिए, सिर्फ कॉपी मत करने की कोशिश कीजिए। कॉपी तो आपको करने की कोशिश करनी है, बट दिमाग में ये रखना है कि क्या तरीका होगा अगर आप कॉपी ना कर रहे हो तो। मैं फिर से समझाता हूँ, सिर्फ कॉपी मत कीजिए। इसका मतलब ये कि बस ये मत देखिए कि मैंने ये कलर उठाया और इतना दूर तक किया तो आपने भी सेम कलर उठाया और उतने दूर तक कर रुक गए। ऐसा नहीं, आपको वो चीज़ करनी है बट दिमाग में सोचना कुछ और है। दिमाग में ये सोचना है कि ये समझते रहना है, सोचते रहना है कि मैं अगर ये कलर उठा रहा हूँ तो क्यों उठा रहा हूँ, अगर मैं इसको इतनी दूर तक कर रहा हूँ, इस एरिया में कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, अगर मैंने इस एरिया में डार्क किया तो क्यों किया है, क्योंकि इस एरिया में शेडो आ रही थी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने माउंटेन को डल किया है तो क्यों किया है, क्योंकि वो माउंटेन काफ़ी दूर है तो उसके कलर डल होंगे, ये आपको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने डल किया तो आपने कर दिया, अगले बार आपको फिर कुछ और ड्राइंग अगर आपको अपने मन से बनानी हो, आपको अपनी इमेजिनेशन से बनानी हो, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, आपको फिर आप हर समय फिर सेम ही कलर लेने लगोगे। ऐसा होता है और वैसा मैंने देखा है, तो इस चीज़ में फंसिएगा मत। क्योंकि अगर आप ऐसे ही करते रहोगे, सिर्फ कॉपी करोगे और मन में कुछ मतलब आपको पता नहीं होगा रीज़न कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो फिर आप क्रिएटिविटी नहीं ला पाओगे अपने काम में, आप नए नए चीज़ों को अपने तरीके से नहीं कर पाओगे, आप बंद जाओगे कि जो सामने वाला करेगा उस हिसाब से ही मैं करूँगा तो या करूँगी। तो ऐसा होता है, ऐसा मैंने देखा है। तो आपको समझते रहना है कि ये शेडो एरिया है, हाँ तो यहाँ पे इतना डार्क होना चाहिए, अगर यहाँ पे ब्लैक बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है तो ब्राउन लेते हैं, अगर ब्राउन का कलर शेड अच्छा नहीं है, अगर यहाँ पे थोड़ा ब्लूइश कलर का एनवायरनमेंट है तो डार्क ब्लू लेते हैं। डार्क ब्लू से भी हम शेडो एरिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डार्क ब्लू लगा सकते हैं जहाँ पे हमें शेडो लग रही है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लैक ही लो शेडो के लिए, यहाँ पे हालांकि मैं ब्लैक ले रहा हूँ। अगर आप हमारे साथ साथ ये ड्राइंग बना रहे हो इस वीडियो को देखते देखते, तो आप चाहते हो कि आपको सेम टू सेम बनाना है तो ये सही भी है, और ये रेकमेंड भी मैं करूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देखते देखते बना रहे हो तो जो कलर मैं ले रहा हूँ और जैसी शेड मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसको कॉपी करें, ताकि आप कंपेयर कर सको अपने ड्राइंग को मैं जो लास्ट में बनाऊँगा उसके साथ, ताकि आपको अगर आप कोई कहीं पे आपको चेंजेस लगती हैं, कहीं पे आपको
और इम्प्रूव करना लगता है तो आप ईजीली कंपेयर कर सको। तो यहाँ पे मैं जो सेम जो कलर ले रहा हूँ आप सेम लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तो आप सेम लीजिए, बट आप अगर बाद में दूसरी ड्राइंग करोगे, कुछ और सीनरी बनाओगे या कुछ और ड्राइंग बनाओगे और उसमें ऑयल पेस्टल से कलर करोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस एरिया में कौन से शेड, कितनी डार्क, कितनी लाइट, क्या करनी है। तो आप खुद नए नए कलर्स, नए नए शेड्स दे पाओगे। आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा किसी दूसरी ड्राइंग पे, जब आप कि ये शेड्स मुझे यहाँ पे देने हैं तभी ये सही लगेगी, आप अपने मन से दे पाओगे। तो ऑयल पेस्टल से भी काफ़ी अच्छे हाई लेवल के वर्क्स बनाए जा सकते हैं। ये डेमो मैंने जस्ट बताया है कि कितने सारे शेड्स को आप मिला के एक इफ़ेक्ट पा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जस्ट सिंपली अलग अलग शेड्स किया है एक एक सिंपल छोटी सी जगह पे, क्योंकि ऑयल पेस्टल पे मैंने बहुत कम ऐसे वर्क देखे हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस एक या दो कलर या कुछ कलर्स ही एक जगह पे करे जा सकते हैं ऑयल पेस्टल में, और वो अलग अलग शेड के बारे में, डार्क, लाइट, ये सब के बारे में नहीं सोचते। वाटर कलर में जब हम करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में शुरू से होती है कि हाँ इस एरिया को डार्क करना है, इस एरिया को लाइट करना है, क्योंकि हमारे पास रेंज अवेलेबल होती है, हम पानी के मदद से डार्क से लाइट बहुत सारे शेड्स पा सकते हैं। ऑयल पेंटिंग में तो ऑब्वियस सी बात है कि हम रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक काम कर सकते हैं और काफ़ी रियल शेड्स पा सकते हैं। तो बाकी मीडियम्स में हमें पता होता है कि चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन ऑयल पेस्टल के मामले में हम ये चीज़ देख नहीं पाते, क्योंकि 50 शेड्स ही अवेलेबल हैं और ये बहुत ही लिमिटेड कलर हैं। बाकी कलर्स में तो 4 या 5 शेड भी हों तो हम उससे हज़ारों लाखों शेड्स आसानी से बना सकते हैं मिक्स करके, क्योंकि वो आसानी से एक दूसरे से मिक्स हो जाती है। बट ऑयल पेस्टल एक दूसरे से मिक्स नहीं हो सकते किसी पैलेट में, और हमें मिक्स करना होता है डायरेक्ट पेपर के ऊपर। तो ये सब चीज़ें अगर हमें पता हो कि कैसे ब्लेंड करते हैं, कैसे क्या करते हैं, क्या चीज़ होती है, किसके किसी कलर के ऊपर अगर दूसरा कलर करें तो क्या बनता है, ये सब चीज़ अगर हमें पता हो तो हम इसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टवर्क बना सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप रियली चाहते हो कि आपकी ऑयल पेस्टल इम्प्रूव हो, तो आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो वीडियो को देख के रियल में उसको प्रैक्टिस में लाते हैं। और यहाँ पे मैं जेन्युइन चीज़ आपको शो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए है ये, या फिर इसको देख के सिर्फ कहने की बात है कि इससे कुछ इम्प्रूवमेंट होगी या रियल में नहीं होगी, क्योंकि मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स को इम्प्रूव होते, उनके काम को एक लेवल से एक बहुत ही ऊपर लेवल तक जाते। तो ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं सब कुछ अपने कंटेंट शेयर करता हूँ। जो भी एक्सरसाइज होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे ही शेयर करता हूँ। तो आप इसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो, आप इसको, मैं जैसा कह रहा हूँ, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर इसको कीजिएगा प्रैक्टिस, आपकी वर्क, आपका जो वर्क है ज़रूर इम्प्रूव होगा। और आने वाले टाइम में जैसे जैसे अभी तो हमारा स्टार्टिंग स्टेज है इस चैनल का, धीरे धीरे सब्सक्राइबर जब स्लो स्लो बढ़ेंगे, अगर आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार रहा, आप लोगों ने अच्छे से शेयर करके मुझे हेल्प की, तो ज़रूर से सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और धीरे धीरे सब्सक्राइबर के साथ मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ाऊँगा अपने व्यूअर्स के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई हमारा जो आप लोगों में से कोई क्वेश्चन पूछता है या कुछ अपनी बातें शेयर करता है, कुछ अपने काम मुझे दिखाना चाहता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं किसी के काम को देख नहीं पा रहा, क्योंकि अभी थोड़ा सा
स्केड्यूल भी बिजी चल रहा है, प्लस अभी इतने सब्सक्राइबर भी हमारे नहीं हैं कि कई सारे वर्क आ सकें। तो धीरे धीरे चैनल जैसे जैसे ग्रो होगा, मैं क्रिटिक्स की वीडियोस भी रखूँगा जिसमें हमारे व्यूअर्स के जो काम है उसको मैं डायरेक्टली पर्सनली उसे चेक करके मैं उसे गलतियाँ बता सकूँ। इससे क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी हो पाएगी, आपको अगर पता चल पाएगा कि कहाँ पे आपकी गलती हो रही है तो इम्प्रूव जल्दी हो पाएगा। क्योंकि ऑनलाइन हमें ये सुविधा नहीं रहती कि हम जिस टीचर से हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं तो उसे डायरेक्टली हमारी गलती पूछ सकें। तो एक ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने काम भेज सको और मैं उसको क्रिटिक करूँ। अगर किसी कोई गलती लगती है जो सुधारने से आपका काम इम्प्रूव हो जाएगा तो उसको ज़रूर करेंगे। तो फ्यूचर में बहुत कुछ करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। साथ में जुड़ के रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारी ये आर्ट की कम्युनिटी जुड़ती है, आर्ट का ये जो ग्रुप जुड़ता है, एक फैमिली जैसा फील होता है। क्योंकि मैं बहुत प्यार करता हूँ आर्ट से, और आर्ट का कोई बंदा मिलता है या बंदी कोई रहती है तो वो बहुत मुझे एक अपनापन सा फीलिंग देता है। कोई मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ ताकि मेरी भी जो नॉलेज है आर्ट की वो बढ़े। मैं इस चीज़ के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए या कुछ आपको अपने कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप खुल के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूंगा। और जुड़ के रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे और साथ में डिस्कशन होगी तो इम्प्रूवमेंट भी होती रहेगी वर्क में। तो अभी मैं इस हाउस को जो मैंने बचा के रखा था मैं उसको लास्ट में कर देता हूँ। इस हाउस को मैंने इसलिए लास्ट में किया क्योंकि मुझे ग्रीनरी आसपास जो भी एरिया ग्रीन ग्रीन है उसको मुझे लगा कि पहले कंप्लीट कर देते हैं ताकि फिर ये हाउस पे आएंगे। थोड़ा सा इसका कलर बाकियों से थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये पर्सनल चॉइस है, जैसे कि मैंने बताया ये पर्सनल चॉइस है। आप पहले हाउस को कर सकते हो या फिर पहले ट्री को कलर कर दिया। तो ये हर आर्टिस्ट का एक अपना एक अंदर से फील आता है कि पहले मैं इसको करता हूँ उसके बाद इसको करूँगा, पहले इसको करता हूँ फिर इसको करूँगा। तो अपना अपना फील है। तो इसको किसी और का देख के कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि ये अंदर से फील आता है कि क्या चीज़ पहले करनी है, किस तरीके से करनी है। बस मैं आपको सही तरीका बता सकता हूँ कि इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपकी जो आपका जो वर्क है वो इम्प्रूव होगा, आपका जो वर्क है वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट कुछ जो पर्सनल टच की चीज़ें हैं वो आपको अपनी प्योर ही रखें तो अच्छा है। आप क्योंकि आप हर एक पर्सन यूनिक है, हर एक आर्टिस्ट यूनिक है, हर एक आर्टिस्ट की अपनी अपनी स्टाइल है, अपना अपना एक तरीका है, तो उसको बरकरार रखना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा शेडो दिखाने के लिए, ये रूफ़ के नीचे जो एरिया है थोड़ा सा वहाँ पे शेडो दिखाने के लिए मैंने हल्का सा ब्लैक किया, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वो रियल फिर शेड नहीं आ पाएगा। तो आप इस ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। मैं जो बात अभी कर रहा हूँ, मैं आर्ट जो बन रही है मतलब कलर वगैरह मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा कि कौन सा कलर मैं ले रहा हूँ, कहाँ पे क्या कर रहा हूँ। लेकिन आप इस वीडियो पे ज़रूर ध्यान देते रहिएगा और आप देख सकते हैं कि कितना थोड़ा सा ब्लैक किया मैंने और उस ब्लैक के ऊपर भी ब्राउन किया, ब्लैक को प्योर नहीं रहने दिया। अगर प्योर ब्लैक रख देंगे तो वो एकदम अननेचुरल लगेगा क्योंकि बहुत अंधेरा एरिया है और उसमें भी बहुत कोने में एक जगह है। तो उस कहीं कहीं पे हमें प्योर ब्लैक करने का मतलब यूज़ हो सकता है ब्लैक वहाँ प्योर। लेकिन ये जहाँ जो हम बना रहे हैं ओपन सीनरी है, धूप टाइप का यहाँ पे लुक आ रहा है, यहाँ पे एकदम ब्राइट सन है, उसमें अगर आप इतना डार्क एरिया दिखाते हो तो वो बहुत ही अननेचुरल लगेगा, एकदम अलग से वो स्पॉट दिखेगा काला सा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान देते हुए यहाँ पे आपको करना है, चीज़ों को समझते हुए अपने काम को करना है, कलर को करना है, ऑयल पेस्टल जो हम कर रहे हैं। और बाकी कलर्स में भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जो फॉलो करो तो
काफ़ी चीज़ें सुधर जाती हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है, तो वो सब चीज़ें भी मैं शेयर करता रहूँगा ऑयल पेस्टल के साथ साथ वाटर कलर पे। और ऑयल पेंटिंग पे तो मैं करता ही रहूँगा क्योंकि ऑयल पेंटिंग मेरी फेवरेट है और ऑयल पेंटिंग से तो मैं अलग हो ही नहीं सकता, तो उस पे तो डेफिनेटली फ्यूचर में काफ़ी चीज़ें आएंगी, उसकी प्लेलिस्ट भी धीरे धीरे भरेगी। तो हमारी सारी प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखिए और जो भी आपका इंटरेस्ट हो आप उसको देख सकते हैं। हाँ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं हर मीडियम में एक्सपर्ट हूँ, बट मैं वो चीज़ें ज़रूर शेयर कर सकता हूँ जो आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगी। और मैं स्लोली फ्यूचर में अपने काम, अपने वर्क्स भी शेयर करूँगा, व्लॉग्स वगैरह भी मैं डालता हूँ, तो उसमें कुछ पर्सनल लाइफ और कुछ जो ऑर्डर वर्क्स वगैरह होते हैं और कुछ चीज़ें जो एक आर्टिस्ट को प्रोफेशनली जाननी चाहिए, या फिर अगर आप सिर्फ हॉबी के तौर पे कर रहे हैं तो उस चीज़ उससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगा। तो कुल मिला के बात है कि आर्ट रिलेटेड हर आर्ट की जो चीज़ है उसको मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैं जो पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ बता दूँ, ये 10B पेंसिल है, ये आर्ट लाइन की 10B पेंसिल है। तो यहाँ इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ किसी किसी एरिया में थोड़ी डिटेलिंग्स देने के लिए, जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़े से डार्क एरियाज हैं, तो वहाँ डिटेलिंग देने के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे किसी किसी एरिया में हम इसको 10B को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी डार्क पेंसिल होती है 10B, तो इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो, इजीली विजिबल होगी अगर आप कलर के ऊपर इसको करोगे तो आराम से विजिबल होगी, तो इसको आप डिटेलिंग्स के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे चल के भी इस डेमो के बाद। एक मैं स्टील लाइफ के ऊपर भी एक शूट करूँगा जल्दी, एक डेमो जो रियल टाइम रहेगी। तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको रियल टाइम डेमोज़ कैसे पसंद हैं, आपको रियल टाइम डेमोज़ चाहिए, आपको फास्ट वीडियो चाहिए, आपको किस टाइप की वीडियो पसंद आती है। और ये वीडियो अगर नॉलेजेबल आपको लग रही है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन वर्थ रखती है कि आप इसमें आप कमेंट करके ज़रूर आप बताएं, अपने ओपिनियन ज़रूर दें, अपना अपनी जो बात है ज़रूर रखें, मुझे आप सबका ओपिनियन, आपकी आपके जो डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आपकी जो बातें हैं वो पढ़ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ज़रूर अपना प्यार मुझे दें, इस चैनल को दें, ताकि आगे चल के हम और भी अच्छे अच्छे डेमोज़ ला सकें, अच्छे टिप्स शेयर कर सकें, इन्फॉर्मेशन ला सकें। तो जल्दी जल्दी मैं कुछ और डिटेल्स यहाँ दे देता हूँ। तो ये जो मैं अभी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, आपने मुझे बहुत बार देखा होगा इस पेंसिल को यूज़ करते हुए, ये मेरी फेवरेट पेंसिल है क्योंकि और ये बहुत अच्छी है। तो और इसके इस पेंसिल की डिटेल्स मैं कभी और दूंगा किसी और वीडियो में, हालांकि अभी के लिए बस मैं इतना बता दूं कि इस ड्राइंग में इस पेंसिल की जगह आप नॉर्मल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बस मैं सिंपल ड्राइंग करने के लिए, सिंपल कुछ मार्क्स देने के लिए पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और इसके अंदर अभी 2B लीड है, 2B, तो आप नॉर्मल आर्ट लाइन की 2B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी नॉर्मल अप्सरा या नटराज, कोई भी जो नॉर्मल पेंसिल होती है उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना डार्कनेस आप कोई सा भी पेंसिल से पा सकते हैं। बस डार्क एरिया जो मैंने किया 10B से, उसके लिए आप 10B पेंसिल ही यूज़ कीजिएगा, और आर्ट लाइन की ज़्यादा बेटर होती है अप्सरा से, अप्सरा बहुत जल्दी ब्रेक कर जाती है, उसकी लीड उतनी मज़बूत नहीं होती, तो आर्ट लाइन की बेटर रहती है शेडिंग पेंसिल, तो 10B उससे यूज़ कीजिएगा। अब मैं थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ कहीं कहीं पे जो टचेज होते हैं बस मैं वो दे रहा हूँ। तो देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिया जा सकता है, और थोड़ा सा यहाँ पे क्रैक
एरिया दिखाने के लिए मैं इसको टच कर रहा हूँ ब्राउन कलर को, और भी देख रहा हूँ और क्या किया जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ पर डार्क कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको, आप इसको, ये सब चीज़ें आप कॉपी नहीं कर पाओगे। मतलब ये सब चीज़ें आप जब मान लीजिए किसी रेफरेंस इमेज का यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी लाइव आप बना रहे हैं आउटडोर, तो आप खुद नोटिस करोगे कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें देनी चाहिए, क्या थोड़ा सा चेंज करूँ कि अच्छा लगे। तो आपको अगर लगता है कि ये, अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे वाइट टच कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा वाइट दूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो मैंने टच किया, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बहुत सारे बिगिनर घबरा जाते हैं कि इसको करेंगे तो गलती ना हो जाए, तो गलती करोगे तभी तो सीखोगे। अभी टेंशन क्या लेना है, अभी गलती करने का ही टाइम है। तो जो भी आपको मन कर रहा है एक्सपेरिमेंट करके देखो, गलती होगा तो होगा, नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूव करेंगे। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ करते देखा है कि वो किसी चीज़ को करने से पहले ही ये सोच लेते हैं कि अगर मैंने किया ड्राइंग ख़राब हो गई तो कैसे करेंगे। तो इतना टेंशन लेने का नहीं है अभी, अभी बहुत ड्राइंग ख़राब होगी तब जाके एक बिगिनर से आप एडवांस में आओगे। तो उस चीज़ को ध्यान में नहीं देना चाहिए। अगर आपके रेफरेंस इमेज में कुछ चीज़ है और आपको लगता है कि वो चीज़ आप दे नहीं पाओगे, अगर आप कोशिश करोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन आप चाहते हो वो करना बट आपको अंदर से आ रहा है कि दोगे तो ख़राब हो जाएगी, तो इतना सोचने का नहीं। आपको अगर लगता है कि वो चीज़ से सुंदरता बढ़ सकती है तो ट्राई कीजिए ना। अगर कुछ गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से हम उस चीज़ को ध्यान देंगे। अगर आप अभी करोगे वो चीज़ गलती, तभी आपको अगले बार याद रहेगा कि उस बार मैंने ये गलती की थी, इस बार वो नहीं करना है, इस बार कुछ और तरीके से करना है, या फिर मैं इस बार कुछ और ट्राई करना है, ताकि वो जो गलती हुई थी जिससे वो जो लुक बिगड़ा था ड्राइंग का वो ना बिगड़े, इस बार अच्छे से करना है, सुंदर से करना है। ये सब चीज़ माइंड में आता है, ये सब धीरे धीरे आता है। बहुत जितनी गलती होती है उसी से हम, हमारा जो कॉन्फिडेंस है ड्राइंग में वो बढ़ता है, और हम कॉन्फिडेंटली किसी स्ट्रोक को लगा सकते हैं। कहीं पर कोई लाइन खींच दी तो वो कॉन्फिडेंट स्ट्रोक जो आता है वो गलती कर करके ही आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, और अपना डाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप पेंट।